जब भी लोगों से मिलता हूं ना, तो उनकी आंखों में एक चीज बड़े आराम से नोटिस कर लेता हूँ, सफल होने का जज्बा। हर कोई अपने मन की गहराई में एक सफलता का लेवल क्रिएट किए हुए है। सबकी इमेजिनेशन में एक लेवल है जहां वो पहुंचना चाहता है, लेकिन जब उनकी बातों को सुनता हूँ और उनकी अंतरात्मा में या उनके मन में झांक कर देखता हूँ, तो एक दूसरी चीज का पता चलता है। वो दूसरी चीज है एक रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, जिसको अचीव करने का वो वेट कर रहे हैं, जो उनकी तलाश में हमेशा बना हुआ है, जिसको वो तलाश करने की या बिल्ड करने की हमेशा से कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं से मिल जाए तो वो अपने डिजायर्ड सक्सेस लेवल पे पहुंच जाए। अगर आप भी अपने डिजायर्ड सक्सेस लेवल के लिए उस कॉन्फिडेंस की तलाश कर रहे हैं एंड उसको बिल्ड, उसको डिस्कवर या उसको अनलॉक करना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आकाश वी शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे टॉक शो बिटर ट्रुथ के अंदर। और आज जो इंसान मेरे साथ है, उनके साथ बहुत मजा आने वाला है। लेट मी प्रॉमिस यू दिस थिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। इनका नाम है आशीष वर्मा। आशीष वर्मा इज अ यूट्यूबर। ही हैज वर्कड एज टेक्निकल हेड इन मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर ईयर्स। ही इज इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर्स। ही नोज अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट क्वाइट वेल। एंड another thing is he's a good motivator as well, because whenever I meet him I am very much impressed by the knowledge he provides me. He has deep knowledge almost about Babaji, every subject that I want to discuss with him. So I have made it possible to come to his place and record this video with him and let my audience also experience the wonder I feel with you. So welcome to Bitter Truth and let's say motivate me as well. तो दोस्तों, आशीष वर्मा को थोड़ा सा इंटरव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, भाप लेते हैं, देख लेते हैं कितनी गहराई में है आशीष। और ऑफ कोर्स देखेंगे ही नहीं, कुछ आज यहाँ से सीख के भी लेकर जाएंगे। तो आशीष, हमारा और मेरी ऑडियंस का मानना है कि मैं ऑडियंस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और पहले आपको बता दूँ ऑडियंस की तरफ से कि हम यहाँ कुछ प्रीचिंग और टीचिंग नहीं करते हैं। वी टुगेदर, आई एंड माई ऑडियंस वॉन्ट टू डिस्कवर समथिंग विद दिस टॉक सेशन। तो हम मिलके कुछ डिस्कवर करेंगे। ऑडियंस, आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आशीष के चैनल का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाकर एक बार जरूर देखें। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट लाल बटन एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एज वेल। तो आशीष, कॉन्फिडेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस को लेकर हमारी सोसाइटी में टैबू बना हुआ है। देखो, बच्चों को लो, लेडीज को लो या फिर मेंस को लो, बॉयज को लो, यूथ को लो, सक्सेसफुल सब होना चाहते हैं। लेकिन जब एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या एक छोटा सा सर्वे भी कंडक्ट करें, तो आउट ऑफ 10 पीपल यू विल फाइंड कि 8 कैंडिडेट्स वुड बी आंसरिंग कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। लेकिन वो कॉन्फिडेंस को डिफाइन भी नहीं कर पाता। अगर मैं पूछूं कि भी कॉन्फिडेंस क्या है, तो ऑडियंस भी अपने से पूछ सकती है कि कॉन्फिडेंस को प्रॉपरली हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, उससे लड़ेंगे कैसे? तो पहला क्वेश्चन यही है कि कॉन्फिडेंस है क्या, कौन सी चिड़िया है, कौन सा बवाल है, हवा है, क्या है भैया? चलो, सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि कॉन्फिडेंस का मीनिंग क्या है। तो कॉन्फिडेंस को अगर आप ब्रेक कर दो, तो कॉम है उसके अंदर COM यानी कंफर्ट, और डेंस मतलब मैं एक तरीके से बोलूंगा कि फुल ट्रस्ट होना अपने ऊपर। तो वो कंफर्ट का लेवल होना ट्रस्ट के ऊपर जहाँ पर आप पूरे संतुष्ट हो, यानी कि आत्मा पर विश्वास होना, इसलिए बोलते हैं इसको आत्मविश्वास। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये ऐसे नहीं होता कि आप खाली ब्लैंक बैठ जाते हैं, किसी ने आपके मन में फीड कर दिया है कि आप नहीं कर सकते हैं, या आपने खुद ही अपने आप को लिमिटाइज कर लिया है कि मैं नहीं कर सकता। सपोज मैं बोलता हूँ आपको, जैसे आप चाय बनाते हैं, अगर आप रोज चाय बनाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर उसके प्रति कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे हाँ बनाने आती है। तो उसमें किसी का कोई आंसर लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो इतनी सी हमारी कॉन्फिडेंस की परिभाषा होती है, सिर्फ ये आपको जाननी है। तो आशीष, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन इंडीड आई मस्ट से कि अभी तक हम कॉन्फिडेंस को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आपने क्या करा, इसी वर्ड को स्प्लिट करके मुझे एक नई डेफिनेशन प्रोवाइड करी है, दैट द कंफर्ट इन आवर ट्रस्ट इज कॉल्ड आवर कॉन्फिडेंस। तो चाय का एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा, साइकिल चलाने का एग्जांपल ले लेते हैं, ड्राइविंग का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस बात से तो ये समझ आता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स इन विच वी आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट अबाउट। यस। तो ऑडियंस, हम यहाँ पहली चीज सीख रहे हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है।
तो एक तो मिथ ये टूटा कि हमें कॉन्फिडेंस सर्च करना था, यानी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सब चीज हमारे अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो एंगर हो, लव हो, किसी के प्रति सहानुभूति है, दयालुता है, कंपैशन, सिंपथी, निराशा, आशा, सब अंदर है। आप जिसको ज्यादा ग्रो करते हो वो चीज आपके अंदर उभर कर आती है। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस भी बैठा हुआ है, सिर्फ आपको उसको कल्टीवेट करना है ना, उसके ऊपर काम करना है। तो वो स्किल क्या है ना, सिर्फ प्लांट सीड है, सीड बैठा हुआ है अभी, कि सीड यानी बीज बैठा है, बीज के प्रति आपको पानी आपको लगातार देना है ताकि उसको ग्रो किया जा सके। तो ये एक दिन ग्रो होकर कॉन्फिडेंस आपका एक पेड़ बनकर फल देने लगेगा, तो वो कॉन्फिडेंस का लेवल है आपका। वेरी नाइस आशीष, मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं ऑडियंस में, सच में बताऊं मुझे लगा ये कुछ लंबे से रास्ते से, टेढ़ मेढ़ रास्ते से हमें लेके जाएंगे, फिर हम लास्ट में जाके समझेंगे ये रहा कॉन्फिडेंस भैया, ये बैठा कॉन्फिडेंस, इससे मिलो, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं भैया। मैं तो ऐसा सोच रहा था, और आपने तो इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इतना मजेदार बना दिया। कॉन्फिडेंस मतलब मेरा कम्फर्ट इन एंड माई ट्रस्ट, और ट्रस्ट इन माई कम्फर्ट, तो दोनों को अगर मैं ज्वाइंट करता हूँ, ट्रस्ट और कम्फर्ट को, तो आई एम समबडी हु इज रियली कॉन्फिडेंट। और गुड न्यूज, वो अक्षय कुमार वाली नहीं, गुड न्यूज इज कि हम सभी के अंदर कॉन्फिडेंस है, वी ऑलरेडी हैव दैट सीड प्लांटेड इन अवर माइंड, करेक्ट? यस। चलो भैया इस गुड न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस भी समझ पा रही है। अगर आप चाय बनाना जानते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप साइकिल चलाना जानते हो आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप सड़क पर बिना एक्सीडेंट के अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो और वहां से घर वापस आ जाते हो रोज, तो आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसी छोटी छोटी बातें जो आप कर रहे हो, आप उन बातों से इस बात का आइडिया लगा सकते हो कि आपके अंदर वो सीड्स हैं। आशीष, वुड यू अलाउ मी टू ऐड समथिंग फ्रॉम माय साइड एज वेल? मैं अपनी ऑडियंस को ये अच्छे से एक चीज़ छोटी सी, मतलब बहुत कम समय में, मे बी 30 सेकंड्स में बताऊंगा, कि अपने बेटे का एग्जांपल लूंगा। ही इज 3 ईयर्स ओल्ड नाउ, एंड बीइंग अ फादर एज आई हैव बीन विटनेसिंग हिज एक्टिविटीज, तो याद है हर बच्चा जो है वो बिस्तर से गिरता जरूर है। ऐसा शायद ही कोई बच्चा हो भी नहीं गिरा होगा, वो बच्चा वो होगा जिसके माँ बाप हमेशा ज़्यादा पैम्पर्ड करते होंगे, लेकिन जनरली देखा जाता है तो मिडिल क्लास फैमिलीज की भी अगर हम बात करते हैं तो बच्चा बिस्तर से गिरता जरूर है। अब वो बच्चे के गिरने का एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि वो कब गिरता है, कि वो बेड से उतरने की कोशिश करता है वो तब गिरता है। तो मुझे याद है कि मेरा बेटा बेड से उतरने की कोशिश कर रहा था, तो ही वॉज इन हाफ ऑफ द वे, तो उसके पैरों के नीचे तो जमीन थी नहीं, और ही वॉज इन अ पोजिशन कि वो जब वो वापस चढ़ भी नहीं सकता था। अब उसको बेचारे को करना क्या था, उसकी ग्रिप जो थी वो ब्लैंक रेड से छूटी गई, और वो नीचे जब जमीन पर आया तो गिरा और वो रोया। अब इससे जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो ये कन्वे करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये तो मेरे ख्याल से नहीं था कि उसने गिरना छोड़ दिया या फिर उसने उतरना छोड़ दिया। वो क्या करने लगा, वो भापने लगा, समझने लगा, और उसने फाइनली ही मेड इट आउट। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से जो मैं अगले स्टेप की तरफ बात करना चाहूंगा, यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो हमें समझ आ गया, विद दिस आई वांट टू इनवाइट यू टू लीड टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज कि कॉन्फिडेंस नहीं है उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे, जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। क्योंकि ऑडियंस ये बात समझ लेना कि कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस होता है भला भला भला, इससे हमारा काम बनना नहीं है। सच तो ये है कि हम अल्टीमेटली इस वीडियो में कुछ एक्शनेबल पे वर्क करना चाहते हैं। तो आशीष, वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हमारी जो मनोदशा है वो फियर वाली बनी हुई है? क्योंकि देखो आपने बताया सब अंदर ही है, तो फियर भी अंदर है। जब एनवी अंदर है, एंगर अंदर है, जेलसी अंदर है, और कंपैशन अंदर है, तो फियर भी अंदर है। तो कुछ ऐसा जरूर है, जैसे आपने सीड का एग्जांपल लिया आशीष, तो सीड की अगर मैं बात करता हूँ तो दीमक, वो सीड में जो कीड़े लगते हैं, है ना, तो पहले मुझे खाद बताओ, क्योंकि मैं सीड तभी डाल सकता हूँ जब मैं वहां पर जो कीड़े हैं जो मेरी फसल को बर्बाद कर देंगे, या सीड में बोऊंगा उन्हें बर्बाद कर देंगे, उन्हें नहीं पनपने देंगे, तो पहले खाद लगवाओ भाई हमारे खेत में। चलिए इसको समझते हैं, मैं समझ गया हूँ। मान लीजिए वो दीमक का एग्जाम्पल लिया, वो दीमक ना ये समझ लीजिए शब्द है लोगों के, सीधी सीधी, ठीक है, वो आते हैं, वो दीमक की तरह उस बीज को कुतरने लगते हैं। सिंपल चीज है ये। मान लो किसी ने आपके दिमाग में ऐसा बीज बो दिया, बोला कि तू ये नहीं कर सकता, इस वजह से नहीं कर सकता, उस वजह से नहीं कर सकता, जबकि आपने करके ही नहीं देखा, पर पहले से ही उसने एक फीडिंग दे दी। सपोज मैंने आपको सुबह सुबह एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है लोगों को, तो मैंने सुबह सुबह मान लो अगर आपको बोल दिया आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, तो आपका विश्वास वैसे ही बन जाता है उसके प्रति, है ना, उसके प्रति आप कुछ कर नहीं रहो बट बना लेते हो विश्वास। मैंने साथ में बोला भैया इस चीज से बचकर भी रहना, आप शाम को दुर्घटना होने की संभावना है,
ठीक है, तो आप थोड़े टेंशन में भी आ जाओगे वहीं के लिए, जबकि ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है, क्योंकि क्या होना वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने दिमाग में डाल दिया, वो आपने ट्रस्ट, जो आत्म का ट्रस्ट है, उसके ऊपर पहुंच गया, तो ये कॉन्फिडेंस आपने कहाँ बनाया, नेगेटिव प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो हम कहाँ पे वो कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, पहले तो ये समझना है कि हमने नेगेटिव प्लेस के ऊपर रखा। सीधी बात, नेगेटिविटी में रखोगे तो लिमिटाइज कर लोगे, करके ही नहीं देखोगे। अब मैं बता रहा हूँ, अगर मैं किसी ने आकर बोल दिया भैया कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सपोज मैं ज्वेलरी नहीं बना सकता, मैं साइकिल नहीं चला सकता, मैं कुछ हाई जंप नहीं कर सकता, मैं 5 किलोमीटर की रेस नहीं दौड़ सकता, तो ये किसी के बोलने से डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट तो किया ही, समझ रहे हो। मान लो कि खाना भी खाना है, अगर कोई बोले भाई तू खाना नहीं खा सकता, तो वो तो सच बात है, मैं खा नहीं सकता, लेकिन चलाना तो मुझे अपना ही हाथ है ना, तो वो हाथ चलाना है आपको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अवेयर नहीं होगे किसी भी चीज के प्रति, तो ये कॉन्फिडेंस कल्टीवेट नहीं होता। कैसे? वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड आशीष, आई मस्ट से कि जो सीड प्लांट कर रहे हैं गाइस, देखो यहाँ पर बड़ी ही एसेंशियल थिंग है जो हमें समझनी होगी, वो ये है कि अभी जो कॉन्फिडेंस का सीड प्लांट करना है वो तो हमें करना है, लेकिन हमने क्या पहचाना कि जो नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं, जो दीमक है, या जो हमारी फसल को बर्बाद करने वाले कीड़े हैं, वो बाहर से आ रहे हैं। हालांकि अंदर से भी एक आस्पेक्ट है दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू एक्सप्लेन, क्योंकि खाली बाहर से ही नहीं है आशीष। क्योंकि अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, जो अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, उनको भी तो ऐसी ही सराउंडिंग मिलती है? हाँ, सराउंडिंग के अंदर ऐसा होता है ना, मान लीजिए किसी ने बोला, ठीक है, अब वो चीज मैंने घर में तो समझ रहे हो ना प्रोग्रामिंग कर ली ना उस चीज के, वो बीज साथ में वो वाला भी आ गया एक काला बीज, तो वो मेरी परिभाषा बन जाती है, समझ लो मेरा थॉट लेवल उसी हिसाब से काम करने लग जाता है। आप मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, छोटा सा एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कि एक गुना करनी है किसी भी चीज की, एक छोटा सा कोड आपने डिजाइन किया, वो कोड हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाता है, तो वो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देगा, तो यही सेम रिजल्ट आपके अंदर आता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही प्लांटेड है। इस चीज को समझना है हमने, क्लियर। अब जो एस्पेक्ट है दैट आई वांट टू ऐड वैल्यू इन दिस, कि जो लोग मेरे ख्याल से, मतलब यू हैव टू टेल मी, इन स्पाइट ऑफ दैट नेगेटिव सराउंडिंग, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो वो ये है कि वी आर समबडी हु हैज टू, मेरे ख्याल से आप कह भी रहे थे कि हमें खुद ही उसको डेवलप करना है, काइंड ऑफ समथिंग, तो हम हैं जो उसमें पॉजिटिविटी का सीड डालेंगे। आपकी इन बातों से ये और समझ आया कि क्या हमें लोगों से बचना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, लोगों से बचना नहीं, सबको सुनो, लेकिन प्रैक्टिकली आपने जब खुद नहीं करके देखा होगा ना, तो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। जब एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो अवेयरनेस तो नहीं होगी ना, तो अवेयरनेस जैसे होगी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपके ऊपर मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडिया आया, ठीक है, आपने उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो किसी ने आके आपको एकदम से रोक दिया, ठीक है, तो वहां पर उसकी सुन लो, ठीक है, वो हो सकता है आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ बचाने के लिए, हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग हो मे बी, ठीक है, तो उस चीज को भी समझना है, लेकिन उसके प्रति आपको रुक नहीं जाना है, ठीक है, समझो। मैंने बोल दिया कि आप दौड़ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, और आप रुक गए वहीं पर, घर बसा लिया आपने अपना, तो फिर वहीं पर रह जाओगे, आप कभी जिंदगी में फिर आगे नहीं चल सकते। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर मैं एग्जाम्पलीफाई करना चाहूंगा, विल्मा रोडोल्फ का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। गूगल पे सर्च करिएगा विल्मा रोडोल्फ एंड यू विल फाइंड कि विल्मा रोडोल्फ वाज हैंडीकैप्ड एंड शी बिकेम ओलंपिक चैंपियन। डॉक्टर्स टोल्ड, मतलब ऋतिक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऋतिक रोशन आप सभी जानते हैं, और अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो जितने भी लोग जिनसे इंस्पायर होकर हम लोग अपनी लाइफ में एक सक्सेस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, हम उनकी सक्सेस स्टोरीज तो पढ़ते हैं आशीष, लेकिन फेलियर स्टोरीज नहीं पढ़ते हैं। तो गाइज, एवरी सक्सेस स्टोरी हैज अ लॉट मैनी फेलियर स्टोरीज बिहाइंड द पर्सन एंड बिहाइंड इट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आई वांट टू यू टू कॉन्ट्रीब्यूट। हाँ, देखिए इसके अंदर कैसा सब होता है ना, कि एक चीज ध्यान रखना, पहली बात तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जो गिरा ना हो, ठोकर ना खाई हो, ठीक है। बच्चे को भी आपने देखा होगा कि बच्चा भी मोमबत्ती की जो लो होती है उस पर जलने के बाद ही एहसास उसको उस दिन आता है कि हाँ ये थोड़ा सा डेंजरस है। करंट हमने भी खाए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम हाथ देते हैं, बच्चों को भी बचाते हैं आजकल, लेकिन कहीं ना कहीं सभी ने इलेक्ट्रिकल शॉक भी खाया हुआ होता है, ठीक है, इससे कोई अछूता नहीं है। तो पहली बात तो फेलियर्स को समझ लेना, फेलियर्स इज इक्वल टू एक्सपीरियंस, सीधी बात है। एक्सपीरियंस ये नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया आपको,
फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जो आया वो आ गया, वो एक्सपीरियंस है ही नहीं जब तक फेलियर नहीं होगा। मान लो कि जब तक मैं ऐसे ना करके देखूं वैसे ना करके देखूं चीजों को, मान लो मैंने, मेरे को दौड़ना है 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, मैंने दौड़ना चालू किया, सांस फूलना चालू हो गया मेरा, ठीक है, लड़खड़ा के गिर गया मैं, घुटने आपस में टकरा गए, स्लिप हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है मैं दौड़ना छोड़ दूं, खड़ा ना हूं, वापस वहीं पर चिपक जाऊं जमीन से, नहीं। जब हम इसको अंदर से ग्रो करेंगे तो ये जो चार चीज हुई मेरे साथ घटना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, रिकॉर्ड हो गया। अब मैं सारा सचेत होकर इस पे ध्यान रखूंगा, बैलेंस करूंगा, हाँ मेरे साथ ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो आपकी जो परफेक्शन है, जिसको हम वैसे एक शाब्दिक तौर पे बोलते हैं परफेक्शन, उसकी ओर आप अग्रसर हो जाते हो, ठीक है। तो आपको हराना इतना इजी नहीं है उस वक्त, आप 1 किलोमीटर भी दौड़ोगे, आपको पता है हाँ 1 किलोमीटर दौड़ने में मेरा सांस फूल गया था, तो मुझे सांस पे भी काम करना है, तो आप सांस पे भी जब काम करोगे तो ये सब आपकी अनुभूति के अंदर है। Really appreciate, you know, I was teaching my students a quotation recently that was failure teaches us what not to do next time. जैसे एक बच्चे का एग्जाम्पल है, फिर अपने फर्दर लेके जाता हूँ, तो बेड से उतरने का एग्जाम्पल लिया मैंने अपने बेटे का। अपना बेटा क्या, मैं अपना भी लाइफ में जो फ्लैशबैक में जाओगे तो पता चलेगा, बचपन से रिलेट कर सकते हैं, सबकी जर्नी सेम ही है ना, टाइमलेस ट्रूथ्स हैं ये, कभी नहीं बदलेगी। तो जब वो बच्चा चलना शुरू करता है तो वो तीसरे कदम पे गिर जाता है या दूसरे पे गिर जाता है, दूसरे तीसरे कदम पे गिर जाता है, तो सब लोग क्या कहते हैं, अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ पर हम पॉजिटिविटी उस बच्चे को देते हैं जिसकी वजह से इंस्पायर होकर वो आगे चलता है और अल्टीमेटली वो बच्चा बिल्कुल चलना शुरू कर देता है। लेकिन आप जानते हो, आपको क्या लगता है, वो फिर गिरना बंद हो जाता है? नहीं, फिर वो चौखट से टकरा के गिरता है, फिर वो सामान में इलझ के गिरता है, फिर उसको पता चलता है कि यहाँ बेड था, यहाँ पर चौखट थी, यहाँ पर किसी दिन ऐसा भी होता है कि दरवाजा बंद होता है और दरवाजे के बीच में उसका हाथ आ जाता है, वहां पर हाथ पेचता है। वहां घर वाले सीखते हैं कि जब आप दरवाजा बंद करो तो देख लो कि आसपास में बच्चा तो नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पर कहने का ये है कि हर क्षण हम अपनी लाइफ में गलतियां तो करते ही हैं, और अगर गलतियां करना बंद कर दें तो फिर क्या है। इसमें मैं एक और कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, एग्जांपल, आप ध्यान रखना, आपने बहुत सारे मूवीज में भी देखा होगा, मूवीज के अंदर होता है ना कार्डियोग्राम, आपने देखा होता है जब बीमार हो जाता है आदमी, लास्ट स्टेजेस पे पड़ा होता है, तो लास्ट स्टेज में तो फ्लैट लाइन चलती है ना, स्टैग्नेंट फेज जिसको हम बोलते हैं, यहाँ ये मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब जिंदा होता है इंसान तो पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन चलता है, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, कभी थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, देन थोड़ा कभी नीचे, फिर कभी एकदम नीचे गिर जाते हो लाइफ के अंदर। तो ये तो जिंदगी का उतार चढ़ाव है, इसी को लाइफ लाइन बोला गया है, जीवन रेखा का मतलब ही है, देखो उतार चढ़ाव तो रहना हमेशा। वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइस, वी मस्ट अंडरस्टैंड द आइडिया कि दोज Who are thinking कि confidence का मतलब है smooth line. So please, अभी वीडियो छोड़ो और भैया घर जाके रजाई ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि आप नींद में ही वो स्मूथनेस फील कर सकते हो और लाइफ में कहीं भी स्मूथनेस आपको फील होने वाली है नहीं मेरे ख्याल से। If you are ready to experience those ups and downs of life, then be with us. Stay tuned and let's go further. So एक आपने जो चीज बताई आशीष महा, ये बताई कि हमें लोगों को अलाउ नहीं करना है कि वो दीमक, वो कीड़े हमारे खेत में, हमारे फील्ड ऑफ हार्ट में, हमारे मन में डाल सके। और कोई ऐसी चीज है जो डॉन्ट में आती है? हाँ, मैं बता देता हूँ, कभी भी आप एक सूत्र ध्यान रखना है यहाँ पर, कभी भी डू नॉट गिव योर की इन एनीबॉडीज हैंड, ठीक है, अपनी भी, अपनी जो ये चाबी है ना, कभी किसी के हाथ में मत सौंप देना कि आप कठपुतली बन जाओ, वो जैसा नचा रहा है वैसा नाच रहे हो आप, क्योंकि हर आदमी, पहली बात ध्यान रखना, सेम नहीं है। अगर जुड़वा बच्चा भी पैदा होता है ना, तो वो भी दुनिया में सेम नहीं होते, कोई हम शक्ल भी मिल जाए, कोई रिसेम्बल कर सकता है, हू बहू बोल देते हैं, हू बहू एग्जैक्ट नहीं होता कभी भी, कोई भी आदमी सेम नहीं सोच सकता। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ, आप बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ना, अगर मेरी इस उंगली की तरफ देखना चाहें, मैं बोलूँ देखो, तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, कोई भी एक ही पॉइंट पे नहीं देख रहा होगा, क्योंकि सबका थॉट लेवल डिफरेंट है, वी आर इंडिविजुअल्स, अकेले हैं, ये अकेली आत्मा है, ये ऐसा नहीं है कि हमने एक कोई लिटरल मीनिंग बना दिया कि हाँ दो आत्माओं को मिलन हो गया, ये वैसी चीज नहीं है, रहती वो अलग अलग ही है, हाँ वो थॉट लेवल किसी चीज के ऊपर हो सकता है कि हमारा सेम होता हो। आई वांट टू क्लेरिफाई द आइडिया, मे बी आप की और दूसरे के हाथ में देने को सिंपलीफाई ना कर पाए हो, बट आशीष इज ट्राइंग टू से हियर इज
कि वी मेक अ मिस्टेक ऑफ बिलीविंग ऑन पीपल मोर देन रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक दिन मेरा एक दोस्त आया, वो कहता है कि मेरी वाइफ बड़ा गुस्सा दिलवाती है मेरे को, वो कई बार ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि मैं कार में होता हूँ वो कार से उतर के चलने लगती है, कहती है जाओ यहाँ से, तो ऐसे में बड़ा गुस्सा आएगा, है ना, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आता है। तो उस केस में क्या करें हम? तो मेरे को वही बात समझ में आई कि उसने अपनी चाबी दे दी है कहीं ना कहीं, कि कोई उसको इतना गुस्सा कर सकता है पैसिफाई करने की जगह, मतलब शांत नहीं कर रहा, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं हुई वहां, लेकिन एक चीज सीख ली क्योंकि चाबी दी कि मुझे ऐसे गुस्सा आता है, ठीक है, तो गुस्सा रेज कर दिया ना, तो उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली दोनों की लाइफ पे ही इम्पैक्ट आना है। वेरी ब्यूटीफुल, मुझे लग रहा है मैं अब अपने को करेक्ट करता हूँ, नाउ आई स्टैंड करेक्टेड। तो पहले जो था दैट इज समथिंग दैट आई वाज सेइंग कि डोंट स्टार्ट बिलीविंग ऑन पीपल मोर देन रिक्वायर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्जन ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव नाउ इज कि डोंट स्टे टू मच अटैच टू पीपल दैट दे कंट्रोल योर इमोशन। यस, दिस इज द नेक्स्ट आइडिया। सो इमोशनली व्हेन यू गिव द की ऑफ योर इमोशंस और द कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस इन अदर्स हैंड, यू विल बी अ पपेट ऑफ अदर्स बिहेवियर, others doings and others undoing, so that's how people start undoing you। मैं आपको इसमें और बता देता हूँ। मान लो कि ऐसा होता है, हमें बचपन से हमारे अंदर एक शिक्षा दी जाती है कि अपने से बड़ों को सत्कार करो, क्योंकि वो हमें तजुर्बा देते हैं, ठीक है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस देते हैं, तो इसलिए हम अपने से बड़ी उम्र वालों को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। साथ में हम अध्यापकों का, जो भी शिक्षक होता है, एजुकेटर होता है, हम सभी की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी के हर मुकाम पे टीचर्स चेंज होते हैं, कभी भी एक नहीं होता है वो टीचर, ठीक है, चाहे वो माँ बाप हो, आपके फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, ये सब टीचर्स ही हैं एक तरीके से, ठीक है। सोसाइटी में बैठा वो भिखारी भी आपके लिए मोटिवेटर है, ध्यान रखना, वो भी आपको सिखा ही देता है कुछ ना कुछ कि हाँ आप उस लेवल से कितना अच्छे बैठे हो, ठीक है, उसने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है वो आप देख लो एक तरीके से, हो सकता है आपको शेयर भी करे। तो स्कूल में आपको एक लैंग्वेज सिखाने वाला टीचर है, फिर एक मैथ्स सिखाने वाला टीचर है, आगे चलते हो आप धीरे धीरे तो प्रोफेशनलिज्म में आप चीज़ें सीखते हो, स्किल्स, टाइपिंग सिखाने वाला कोई और है, मेडिकली कुछ और सीखते हो आप, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिंदगी मुकाम पे आप सीखते ही सीखते हो। तो एक चीज ध्यान रखना, टीचर तो आप खुद ही हो, तो पहली बात, ठीक है, चीजें सीखकर आप टीचर ही बनते हो ऑलमोस्ट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम डोंट में क्या समझ रहे हैं? आई आस्क यू, हमें डोंट पे फोकस करना है कि एक कोई थर्ड डोंट में हाउ यू कंट्रीब्यूट टू दिस डोंट, मतलब यू वांट टू से कि हमें लर्निंग स्टॉप नहीं करनी चाहिए। लर्निंग तो कभी भी, एक चीज है ध्यान रखना, ये एंडलेस है, ठीक है। पहली बात, अगर मैं आपको और प्रोफेशनली बोलूं और सच्ची बात बोलूं तो टाइम जैसी कोई पैरामीटर नहीं है, ये तो इंसान ने बनाई है बस, ठीक है, ताकि हम एक पैरामीटर को सेट करके अनुमान लगा सकें हर चीज का, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम तो होता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरी कोई घड़ी है, मैं किस दिन पैदा हुआ किस दिन नहीं पैदा हुआ, ये तो हमने एक पैरामीटर किसी ने बनाया था, उसके तहत हम चले जा रहे हैं उस डेट के मुताबिक, ठीक है। तो डोंट्स में मेरी तरफ से तो यही है, पहली बात तो कीमत देना सबसे पहली बात किसी याद में। we have come to understand there are three don'ts finally, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, then we'll move to the third portion only, that is the conclusion of the video. So first don't we understand कि हमें उसमें जो बाहर के जो लोग हैं उनको अलाउ नहीं करना है कि वो हमारे यहाँ पर दीमक और वो कीड़े या जो नेगेटिव चीजें हैं, थॉट लेवल कंट्रोल नहीं करना चाहिए आपका। सेकंड इज कि वी आर नॉट सपोज्ड टू गिव द कीज ऑफ आवर लाइफ इन अदर्स हैंड्स, यस, वो भी क्लियरली एक्सप्लेन हो चुका है। थर्ड थिंग इज वी आर नॉट रिक्वायर्ड और वी शुड नेवर डेयर टू थिंक ऑफ स्टॉपिंग टू लर्न। तो तीसरी चीज है कि हम जब लर्न करना छोड़ देते हैं, बिकॉज अ लॉट मेनी पीपल हैव बीन रनिंग आफ्टर कॉन्फिडेंस बट आर नॉट टेकिंग और मेकिंग आउट एनफ टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग तो एंडलेस है ही, ठीक, आप लर्नर बने रहो और ओपन रहो हमेशा, ठीक है, इग्नोरेंट मत बनो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इग्नोरेंट ही होते हैं, और इसको कॉन्फिडेंस को कभी भी ईगो नहीं बनाना। अगर आपको एक चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपको उसके प्रति बहुत ही आदर में ही होना चाहिए, ना कि उसको ईगो अहंकार बना लो। मान लो कि मैं एक शिक्षा ग्रहण कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ईगो पर ले आता हूँ कि मैं तो ये बन गया हूँ, मेरे पास ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उससे क्या है ना, आप दूसरे को हमेशा झुकाओगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आशीष आपकी नॉलेज एंडलेस है, मैं फिर भी कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, प्लीज गिव मी द की
ऑफ योर स्पोकन वर्ड्स एंड ऑल, क्योंकि आशीष जो है वो एंडलेस है, इनको मैं रोक नहीं सकता। तो ऑनेस्टली यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर क्लियर हो पाई है, जो आपने बताया कि उसको अपना अहंकार नहीं बनाना है, उसको ऐसे नहीं बनाना है। तो आशीष, मैंने ये चीज़ आपके अंदर देखी है व्हेन आई विजिटेड यू फर्स्ट टाइम। तो गाइज, आई वॉज डूइंग डिस्कशन विद हिम एंड इन वेरी स्मूथ फ्लो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग विद नो फिल्टर इन हिज माइंड ही वॉज अटरिंग प्राइसलेस नॉलेज टू मी। He was uttering so many things and he was saying this as an ordinary thing. मतलब मुझे इसको पता ही नहीं है आशीष को कि ये कुछ ऐसी चीज मेरे सामने रिवील करने जा रहे हैं जो मतलब इतनी वैल्यूएबल है कि मतलब लाइफ चेंजिंग है। बट पीपल डेवलप अ टेंडेंसी व्हेन दे कम टू नो एंड लर्न समथिंग लाइफ चेंजिंग, समथिंग प्राइसलेस, समथिंग इनवैल्यूएबल, दैट दे थिंक दैट दिस थिंग दे नीड टू कवेट, दे नीड टू कीप लिमिटेड themselves, and that's when we give birth to that third thing, that is ego. Clear? Am I making some sense? So now allow me to move to the third thing. Third thing is we learned what are the don'ts. Now I want you to tell us what are those basic actionables, let's say one or just two, not more than that, that my audience and I should start acting upon so that we can start cultivating those seeds of confidence in us and make it a banyan tree. चलिए मैं आपको example देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपको आपको muscles बनानी है, ठीक है? तो muscles के लिए क्या होगा? सबसे पहले आपको proper जो सामग्री बोलते हैं ना, ingredients, वो सामान चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हवा में हाथ ऐसे चलाते रहेंगे और आपकी muscles develop हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सामान चाहिए, यानी आपको कंटेंट चाहिए, साथ में एक पद्धति यानी टिप्स और हिंट्स चाहिए आपको, और प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस का मतलब है रेपिटिशन, ठीक है? दोहराना। लाइफ क्या है? राउंड एंड राउंड, अर्थ इज राउंड और मेकिंग राउंड, रोटेशन, ठीक है? रोज रोटेट करती है, वापस आ जाती है, रोज रोटेट करती है, वापस आ जाती है। अब हमने ऐसे ही मान लीजिए मैंने लैंग्वेज सीखी, तो रोज रोटेट करी, वापस चढ़ गई ना जुबान पर। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ? बिल्कुल प्रवाह में बोल रहा हूँ, लगातार बिना रुके बोल रहा हूँ। अब यही चीज जब मैं साइकिल को भी राउंड एंड राउंड करता हूँ रोज, तो साइकिल भी चलाने आ जाती है धीरे धीरे। ऐसे करते करते इतनी आ जाती है हाथ में छोड़े चला रहा होता हूँ, है ना? वेरी नाइस। तो ऐसे ही करना है आपको बस। सो गाइस, चूज वन प्रैक्टिस एंड गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड अंटिल यू मेक इट प्रोफाउंड। या सो very beautiful thing. So this is one actionable. Pick one idea, whatever you want to work upon, and don't expect anything. Make it endless for you. Why I want to say this? If I talk about the achievers, those winners, those legendary people who we are inspired by, let's name Sachin Tendulkar. अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूँ तो अपने पूरे करियर में these people never leave the practice of basics. अगर आप मैथमेटिक्स में कितने भी बड़े मैथमेटिशियंस, आपके बेसिक्स अगर वीक है तो आप बड़ा कुछ इन्वेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज का, आपने एग्जांपल लिया, तो मैं वैल्यू यहां पर मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं आपको। आपने मोहम्मद रफी का नाम सुना होगा, सिंगर है, हाँ। मशहूर सिंगर है, हाँ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि उनके गाने कौन कौन से कितने मशहूर हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? चैनल सो खोया खोया चांद कह सकते हैं, या फिर लिखे जो खत तुझे कह सकते हैं। There are a lot many songs. So anything, any point in this? फिर भी आपके हिसाब से काउंटिंग कितनी होगी कि उनको लेजेंड बना दिया उन गानों ने? लेजेंड नाम है ना, तो लेजेंड होने के लिए कुछ तो किया होगा। कितने गाने होंगे आपके हिसाब से काउंटिंग में? Maybe मैं ऐसी रफली बोल देता हूँ यार, let's say 500 songs. 500. मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, उनको लेजेंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेंचुरीज बनाई है, हाफ सेंचुरीज। बट क्या वो जितने मैच खेले हैं उसके मुताबिक पैरेलली बनाई है ना? कितनी बनाई होंगी? मेरे ख्याल से 10%। अब मैं बताता हूँ, मोहम्मद रफी ने 27,000 गाने गा रखे हैं। माय गॉड, 11 भाषाओं में गा रखे हैं, जिसमें कि 7,000 गाने ऑलमोस्ट हिंदी और बांग्ला भाषा में है।
उसके बाद सिर्फ मुश्किल से उनके 300 या फिर आप मैं और बोलूं और भी टॉप लेवल पे सिर्फ 50 गाने मशहूर हैं जिसकी वजह से वो लेजेंड बोले जाते हैं। तो कभी भी प्रयास नहीं छोड़ा ना इन लोगों ने, हिट एंड ट्रायल करते रहे, हिट एंड ट्रायल, तो कुछ ना कुछ आ गया उनके हाथ में। मतलब इन्होंने मेरी बात रख ली, फाइनली ही प्रूव्ड समथिंग दैट ही हैज दैट अनएक्सेसिबल नॉलेज जो जनरली लोगों को एक्सेस नहीं होती है। तो रियली ब्यूटीफुल इनसाइट यू हैव शेयर्ड कि 27,000 गानों में अगर 50 गानों से मैं लेजेंड बन रहा हूँ तो यू जस्ट इमेजिन कि 27,000 गानों में कितने सारे फेलियर्स एक्सपीरियंस होंगे, कितने सारे गानों से वो खुद डिससेटिस्फाइड हुए होंगे, घर जाके उन्हें नींद नहीं आई होगी। लोगों तो लोग तो कह रहे होंगे भाई अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मोहम्मद रफी को शायद ऐसा लगा ही ना हो कि यार नहीं, दिस इज नॉट माई लेवल, माई लेवल इज फार बियॉन्ड दैन दिस, इज इट समथिंग आई थिंक। सो हेयर वी लर्न फर्स्ट थिंग गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड नेक्स्ट थिंग व्हेन यू गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड यू डोंट फील सेटिस्फाइड एवर, ओनली देन यू विल मेक इट प्रोफाउंड। तो मुझे लगता है यहाँ तक हमें रुक जाना चाहिए, काफी लंबा समय हो गया है और मैं उम्मीद करूंगा हमारी जो ऑडियंस है इन कीज के साथ, इन इंग्रेडिएंट्स के साथ और इन एक्शनेबल्स के साथ अपने कॉन्फिडेंस को अनलॉक जरूर कर पाएगी एंड वी विल डेफिनेटली गो अराउंड द वर्ल्ड, ओके इंटरनल वर्ल्ड लेट मी से दिस। सो हमारे साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम जरूर करना यार, आशीष के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उसके साथ जरूर करना जो थोड़ा डरपोक भी लिया टाइप का हो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड।